सो यार आज जो है मुझे अपने बाल छोटे करवाने हैं, उसका रीज़न ये है, बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे करवाने का रीज़न मैं बताता चलूँ। मेरे बाल जो है यार टूट रहे हैं, कंघा वगैरह करता हूँ तो कंघे बहुत ज़्यादा मेरे बाल आ रहे हैं, टूट रहे हैं, कमज़ोर हो गए मेरे बाल बहुत ज़्यादा। तो मम्मा ने उसका कहा, मम्मा ने कहा कि इसका हल ये है कि अपने बालों को तेल लगाओ, लेकिन ये बड़े जितने हो रहे ना पहले इन्हें करवाओ छोटे। तो फिर मैं तो गंजा हो रहा था, मैंने कहा पूरा उस तरह फिरवा दूँ, लेकिन मैंने कहा यार सर्दी बहुत है, सर का काम चल रहा है, सीधी ठंड दिमाग में बैठेगी, इस वजह से जो है गंजा नहीं हो रहा, बाल अपने करवा रहे हैं छोटे। और मम्मा के कहने पे चलेंगे तो अपने बालों में रोज़ाना तेल लगाएंगे, तेल की उनकी मालिश करेंगे ताकि मेरे बालों मेरे बाल मजबूत हो जाएं, मजबूत। तो वह सब चलते हैं अब हेयर ड्रेसर की दुकान पे। सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो भाई यार फैमिली हेयर ड्रेसर की शॉप पे बैठे हैं और हमेशा की तरह यहाँ पे रश हो रहा है। तीसरा नंबर, तो देखते हैं नंबर कब आता है। सो फाइनली सीट पर बैठ चुका हूँ, अब बारी है कटिंग की। सो यार मैं हेयर कटिंग करवा के घर पर आ गया था और मैं नहा भी लिया हूँ, तो अभी जो न्यू लुक है मेरा वो मैं आपको अभी जाके दिखाऊंगा अबरार के घर पे। यहाँ पे नहीं, अभी मैंने टोपा वगैरह पहन लिया, अभी मैं जा रहा था अबरार के घर पे, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के अबरार से मिले आप लोग और मैं अपना न्यू लुक भी दिखाता हूँ। सो स्टेट यू। सो यार मैं जो अभी अबरार के घर पे आ चुका हूँ, अभी टेंशन ना लो, हेयर लुक भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मुझे जाना है मम्मा की दवाई लेने, मम्मा की दवाई लेकर आऊँ, इसके बाद आपको इस शख्स के साथ मिल, वालेकुम सलाम, इस शख्स के साथ मिलके आपको अपना हेयर लुक दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा, अभी तो टोपा लगाया था। हाँ ये टोपा लगाया हुआ, इसलिए नहीं देखा मेरा हेयर लुक और फेस लुक, और अभी आपने भी नहीं देखा कि जब मैंने मास्क लगाया हुआ है। नहीं देखते अभी नहीं हटाना मास्क वास्क कुछ भी, चेहरे भी क्या होगा और इधर कुछ भी नहीं होगा। फिर तो फिर दवाई लेकर आना, उसके बाद दिखाऊंगा। सो भाई फाइनली आप लुक देख सकते हो कैसा हो गया। मतलब चेहरे को छोड़ो, बाल देखो, मींस के छोटे करवा दिए, सही कर रहे हैं। नहीं जबरदस्त लग रहे, जबरदस्त लग रहे यार। उसका मैंने आपको रीज़न बताया था ब्लॉग के शुरू में छोटे करवाने का, तो यही रीज़न है, इस वजह से मैंने अपने बाल छोटे करवा दिए। अच्छा, मुझे लगा गंजा गंजा हो गया। नहीं नहीं गंजा मंजा गंजे हो जाओ ना, सोचा था मैंने गंजा हो लगी, लेकिन मैं सर्दी बहुत है, टाण पर ठंडी हवा लगी है, मुझे भी सर्दी लग गई है। हाँ टोपा पहन के निकल लेना। हाँ ये तो इससे तो मैं टोपा पहन के निकला, मैंने कहा यार अभी नए नए बाल हटे सर से, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी सर के ऊपर से। तो खैर अब रोज़ाना इसमें ऑयलिंग करूँगा और बालों को, बालों की ग्रोथ अच्छी करूँगा, मजबूत करूँगा, और नीचे से इसकी जड़ें जो है ना, सोच रहा हूँ कि किसी का ऐसा बाल लूँ जिसका बाल अच्छा और मोटा हो, और उसको अपने सर में मतलब कि जैसे बीज डालते ना, इस तरीके से उसको डुबो दूँ, मतलब अंदर खड्डा करके डाल दूँ, भी डाल दूँ। हाँ तो फिर ये होगा कि जो है ना वो बाल उगेगा। अच्छा लेकिन ऐसा बाल लेने से कोई मजबूत और अच्छा मोटा बाल हो। सही वो तो अगर घुंघरू बाल निकलेंगे वैसे मुझे पसंद नहीं है। चल तो देखते कब डालते हैं, ब्लॉग ही बनाऊंगा उसका। सही, और अब अभी देखते हैं घर जाके क्या होता है और इस ब्लॉग का एंड कब होता है। एक कॉफी, एक ओपस और एक पेप्सी छा लिया, कितने हो गए? 30 हो गए। 30 हो गए ना, पूरे 50 कर लेते हैं। एक माइलो, माइलो में ठीक है, और एक ये यम्स, ठीक है, ये हो गई चीज़ हमारी, देख लो भाई। सर्दी आ गई तो सर्दी में कॉफ़ी पी लें, और चॉकलेट तैयार, मैं बच्चा हूँ मैं चॉकलेट खाता हूँ, छालिया भी नहीं खा रहा, छालिया तो बड़े बुजुर्गों के लिए ले रहा हूँ। खैर ले लिया सामान, मिल लें यामिन भाई, ये हमारे यामिन भाई हैं, बहुत पुराने हैं, हमेशा से चीज़ इनके पास ही आता है, उन्होंने क्यों यामिन भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर चीज़ ले ली, अब चलते हैं घर की तरफ और कॉफ़ी पीते पीते इस व्लॉग का हम कर देंगे एंड। सो यार बस इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। उसका रीज़न ये है, अचानक से सुबह हो गई, क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि मैं रात को अबरार के घर से आया और फिर मैं आने के बाद मैं सो गया था और मेरी आँख खुली नहीं दोबारा, ऐसा घेरा घेरी नहीं सोया, और मैंने कहा चलो अब अभी दूसरे दिन के 4 बज रहे हैं, मैंने नेक्स्ट व्लॉग भी
स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा अरे मैंने पुराने वाले ब्लॉग का कभी एंड ही नहीं करा, कभी भी उस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सारी बक्की रिपोर्ट होती है, कहाँ है, कब है, लंगर बढ़ेगी, बढ़ेगी बिरयानी, ये भी पता है।